झारखंड में कोरोना वायरस संक्रमण उफान पर है। बीते दिनों 693 कोरोना संक्रमितों की पहचान के बाद आज एक बार फिर से 690 पॉजिटिव के सामने आए। राजधानी रांची में अकेले 369 कोरोना मरीजों की पुष्टि की गई। झारखंड में लगातार दूसरे दिन 600 से अधिक कोरोना संक्रमित की पहचान हुई। राज्य में 24 घंटे के भीतर 162 मरीज स्वस्थ भी हुए, तो वहीं दुमका में एक मरीज की कोरोना से मौत भी हो गई। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण को चुनौती के रूप में लेते हुए हेमंत सरकार लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। तो आपको बता दें कि फिर से एक बार कोरोना ने जो है कोरोना वापसी कर गया है और लगातार जो कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं। तो आपको बता दें पूरी जो है झारखंड में लगातार जो कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं, लेकिन जो हेमंत सरकार सख्त है, हेमंत सरकार जो है सख्त है और गाइडलाइन को पालन करने को लगातार वो निर्देश दे रही है और लोगों से अपील कर रही है कि लोग जो है कोरोना वायरस को लेकर के पालन करें, गाइडलाइन का जो है सरकार का गाइडलाइन का पालन करें। रांची से हमारे ज़्यादा जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी कृष्णा जुड़ चुके हैं। कृष्णा, अभी कोरोना का क्या अपडेट है वहाँ पे, क्या लोग जो है कोरोना गाइडलाइन का पालन करते दिखाई दे रहे हैं? देखिए, यहाँ पर कोरोना गाइडलाइन का पालन करते लोग दिखाई दे रहे हैं। मास्क अनिवार्य कर दिया गया है, जो मास्क पहन कर नहीं निकलेगा उस पर फाइन काटा जा रहा है। लगातार हर ट्रैफिक पे या कहीं भी सड़क से कोई भी निकलता है तो हर जगह कोरोना का टेस्टिंग हो रहा है। चाहे वो रेलवे स्टेशन पर जाइए या एयरपोर्ट पे जाइए, आपको जो भी बाहर से लोग आ रहे हैं जो बिना मास्क पहने दिखाई दे रहे हैं उनको टेस्ट किया जा रहा है। लगातार यहाँ पर सरकार प्रतिबद्ध है कि किसी भी तरह कोरोना बढ़े नहीं। और यहाँ पर एक खबर सामने आ रही है कि हो सकता है तो आपातकाल की बैठक हो और उसके बाद उस बैठक में ये निर्णय लिया जा सके कि क्या किस तरह से, जिस तरह से लगातार रांची और जमशेदपुर दो ऐसे जिले हैं जहां पर पिछली बार भी कोरोना का कहर बढ़ता था और इस बार भी दो जिले में ज्यादा कोरोना का कहर देखा जा रहा है। अभी कल की हम बात करें तो 300 से अधिक रांची जिले में कल का अपडेट आया है। हर दिन अब 300 से अधिक आ रहा है, तो इसको लेकर के सरकार गंभीर है। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार इससे क्या निर्णय लेती है, मगर सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है कि इस पर बैठक हो सकती है। कृष्णा, ज्यादा जानकारी देने के लिए आपका धन्यवाद। तो आपको बता दें कि रांची में जो है कोरोना के लगातार मामले सामने आ रहे हैं।